वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, सीज़न जो है वो बिल्कुल अपने एंड की तरफ जा रहा है और सीज़न डिसाइड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये हमें मालूम होता चला जा रहा है कि कौन सी लीग कौन सी टीम जीत रही है। और बुंडेसलीगा तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, बायर लिवरकुसेन ऑलरेडी लीग जीत चुकी है, चाबी अलोंसो ने 43 मैचेस का अनबीटन रन जो है वो बनाया है, और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में बायर लिवरकुसेन को जो है वो टाइटल जिताया, और 11 साल के बाद ऐसा हुआ है कि बायर्न म्यूनिख जो है अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर सकी। तो बुंडेसलीगा तो हो गई डिसाइड, दूसरी तरफ प्रीमियर लीग काफ़ी फंस चुकी है। लिवरपूल अपना गेम हार गई, आर्सेनल अपना गेम हार गई, और इस वक्त टॉप पर बैठी है सिटी। और फिर उसके बाद लालिगा की बात करें तो वहाँ पर मेरे ख्याल से मैड्रिड काफ़ी कंफर्टेबल पोजिशन के ऊपर है, और वहाँ पर भी 5-6 गेम्स बाकी बची हैं। लेकिन 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 जो इस मिड वीक के अंदर होने जा रहा है, बेसिकली ये वीडियो मैंने उसके लिए बनाई है, और ये वीडियो पे हम लोग बात करेंगे जो चैंपियंस लीग की रिटर्न लेग्स होने वाली है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका प्रीव्यू करेंगे और उसकी प्रिडिक्शंस देंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा, और आपने भी वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी प्रिडिक्शन क्या है कि सेमीफाइनलिस्ट कौन सी टीम्स हो सकती हैं। तो चारों गेम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। तो यार, अगर हम लोग इसके फर्स्ट लेग की बात करें तो यार जिस तरह से वो फर्स्ट लेग खेली गई, तो अगर हम लोग कुछ सालों के बाद जाकर इस गेम को दोबारा वापस देखेंगे तो इसको हम लोग यूसीएल क्लासिक के नाम से ज़रूर जानेंगे। 3-3 से वो गेम बराबर रहा। पहले ही मिनट में बर्नार्डो सिल्वा ने एक बड़ी चालाकी के साथ गोल स्कोर करके जो है वो लीड दिलाई थी मैनचेस्टर सिटी को। उसके बाद से भाई मैड्रिड वापस आई, जिस तरह से मैड्रिड जो है वो जानी जाती है कि, और मैड्रिड के बारे में तो यही कहा जाता है कि वो एक ट्रैप बिछाते हैं टीम्स के लिए। वो पहले डाउन होते हैं 1-2 गोल, और उसके बाद से वो कमबैक करते हैं, और फिर 2 मिनट में 2 गोल स्कोर किए, और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैड्रिड जो है वो थोड़ी डोमिनेटिंग पोजिशन में आ चुकी है, और अब मैड्रिड यहाँ से लीड लेकर जो है वो रिटर्न लेग में जाएगी और जाकर इतिहाद में जो है वो लीड को अपनी डिफेंड करेगी। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से मैड्रिड ने कमबैक किया, उसी तरह से जो है वो मैनचेस्टर सिटी ने भी कमबैक मारा, 2 गोल ऊपर नीचे उन्होंने भी गोल स्कोर किया, बैंगर गोल स्कोर किए थे। इस मैच की जो सबसे ख़ास बात थी वो यही थी कि हमें गोल बड़े खूबसूरत देखने को मिले थे, और गोडियोल का गोल की बात करें या फुडेन के गोल की बात करें, और गेम टैक्टिकली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेम हुई थी, और क्योंकि मैड्रिड ने जो जब लीड ले ली थी तो वहाँ पर उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को कोई ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने नहीं दिए, जिसकी वजह से सिटी ने जो है वो फिर बॉक्स से बाहर से शूट्स लेना शुरू किए, और 2 शूट्स जो है वो भाई गोल के अंदर ऐसे गई कि कीपर के लिए कोई चांस ही नहीं था। तो टैक्टिकली गेम बड़ी ज़बरदस्त हुई। उसके बाद लग रहा था कि यार सिटी अब शायद लीड लेकर जो है वो इतिहाद जाएगी, लेकिन फिर से एक विनी का खूबसूरत सा असिस्ट था, और वर्ल्ड क्लास फिनिश थी वलवर्दे की, और उन्होंने राइट कॉर्नर के ऊपर वॉली के ऊपर एक खूबसूरत फिनिश करके जो है ये गेम 3-3 से बराबर कर दी। गेम अभी भी अलाइव है भैया। अगर सिटी को कोई भी टीम इतिहाद स्टेडियम में जाकर हरा सकती है तो वो मैड्रिड की टीम ही है, क्योंकि मैड्रिड जो यूसीएल के अंदर जिस तरह की फुटबॉल खेलती है वो फिर हम जानते ही हैं कि यार उन्हें पता है कि यूसीएल के अंदर किस तरह से मैच जीतना है, चाहे कोई भी ओपोनेंट हो किसी भी स्टेडियम में खेल रहे हो। ये अलग बात है कि इतिहाद में आज तक मैड्रिड कभी मैच जीत नहीं पाई है, लेकिन अगर कोई टीम सिटी को हरा सकती है तो वो मैड्रिड ही है। वहाँ पे एक धचका ज़रूर है मैड्रिड को, वो ये कि च्युमेनी जो है वो पिछले मैच में जो फर्स्ट लेग थी वहाँ पर उन्होंने येलो कार्ड लिया था, सेकंड लेग में वो अवेलेबल नहीं होंगे। और मैनचेस्टर सिटी के लिए कुछ अच्छी खबरें ये है कि जैसे वॉकर अवेलेबल नहीं थे तो वो अब इस गेम के लिए जो अभी तक की न्यूज़ है वो यही आ रही है कि वो अवेलेबल होंगे, और हो सकता है कि मैनचेस्टर सिटी डी ब्रूने को भी जो है वो इस मैच में खिलाएगी, क्योंकि डी ब्रूने भी मैच से कुछ देर पहले फर्स्ट लेग में वो नहीं खेले थे। तो यहाँ पे सिटी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाएगी, होम पे वो खेलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एडवांटेज जो फर्स्ट लेग का जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद एडवांटेज जो है वो मैनचेस्टर सिटी के पास है, और मैनचेस्टर सिटी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आती है कि होम पर वो मैड्रिड को हरा सकती है, और मुझे लगता है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन फिर वही बात है कि मैड्रिड का भाई कोई भरोसा नहीं है। मैड्रिड को पता है कि किस तरह से उन्होंने यूसीएल गेम्स जीतनी है, और यूरोपियन नाइट्स में जो मिरेकल अगर कोई टीम कर सकती है तो वो मैड्रिड ही है। लेकिन फिर भी अब मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि 3-1 से जो है ये गेम जीत जाएगी मैनचेस्टर सिटी, और हमें
मैनचेस्टर सिटी सेमीफाइनल में खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बात मैं आपको ये जरूर रिमाइंड कराता चलूँ कि जो मैंने फर्स्ट लेग के प्रीव्यू किए थे तो वहाँ पर से मेरी एक प्रिडिक्शन ठीक हुई थी और बाकी 3 प्रिडिक्शन जो मेरी गलत हुई थी, तो इसलिए आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रिडिक्शन जरूर बतानी है। तो इस मैच की प्रिडिक्शन में 3-1 आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा एक और गेम हुआ था, आर्सेनल वर्सेस बायर्न, वो भी एक क्लासिकल गेम था। आर्सेनल की अगर हम बात करें तो जब 13-14 साल पहले वो यूसीएल खेली थी तो वहाँ पर 3 गेम्स 5-1 से हारी थी बायर्न से, लेकिन यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त गेम हुई, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और यहाँ पर पहले लीड ली थी आर्सेनल ने, फिर उसके बाद बायर्न 2-1 से लीड ले गई थी और फिर आर्सेनल जो है इस गेम को 2-2 से बराबर किया। गेम बहुत ही इवन होने वाला है यहाँ पर और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त टैक्टिकल बैटल होगी। देखें टुकल और बायर्न म्यूनिक को ये तो पता है कि यार बुंडेसलीगा तो हाथ से निकल गई, तो अब जो भी जान मारनी है वो इसी गेम में मारनी है और चैंपियंस लीग उनके पास एक टूर्नामेंट ऐसा बचा है जहाँ पर वो अपनी जो खोई हुई इज्जत है वो बचा सकते हैं, तो उसलिए वो पूरी जान मारेंगे, होम के ऊपर वो खेलेंगे और मेरे ख्याल में बायर्न जो है वो थोड़ी सी फेवरेट मुझे जरूर नज़र आ रही है। लेकिन आर्सेनल जिस तरह की यंग टीम है, अब मेंटालिटी अच्छी शो कर रही है और आर्सेनल अभी प्रीमियर लीग का गेम भी हारी है जिसकी वजह से उनको भी ये थोड़ा सा फील तो हुआ होगा कि यार अब प्रीमियर लीग भी अब उनके हाथ में जो है वो रही नहीं है और अब डिपेंड करता है कि सिटी किस तरह से परफॉर्म करती है। तो मेरे ख्याल से आर्सेनल भी पूरी जान मार के खेलेगा और अगर दोनों टीम्स की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बायर्न जो है ये गेम जो है वो 2-1 से जीत जाएगी और सेमीफाइनल में हमें खेलती हुई नज़र आ सकती है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या प्रिडिक्शन आपकी होगी। फिर उसके बाद एक जो प्रिडिक्शन मेरी ठीक हुई थी वो हुई थी एटलेटिको डी मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड की। देखिए एटलेटिको डी मैड्रिड ने 2-1 से ये गेम जीत ली थी और होम के ऊपर जो है वो खेल रही थी मैड्रिड और उन्होंने काफ़ी अच्छा गेम को कंट्रोल किया सिमोनी की टीम। देखें उनकी अगर आप फुटबॉल की बात करें तो बड़ी सीसॉ किस्म की सिचुएशन रहती है सिमोनी की टीम की, कोई कोई मैच वो बहुत अच्छा खेल जाते हैं, कोई कोई मैच जो है वो बहुत ही ख़राब खेलते हैं, लेकिन इस टाइम में वो लोग फेवरेट थे और पहला लेग उन्होंने 2-1 से जीत लिया। सेकंड लेग में रिटर्न लेग में वो जब डॉर्टमुंड जाकर खेलेंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली वो लीड पे होंगे, लेकिन डॉर्टमुंड का क्राउड और डॉर्टमुंड के पास भी एक बड़ी बैलेंस किस्म की टीम है, यहाँ पर सांचो खेल रहे हैं और उसके अलावा अब उनके जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर टीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है और उनके हर साल जो है वो यंग टीम वो लेकर आते हैं और हर साल वो बड़ा अच्छा टैलेंट जो है वो मार्केट में सेल भी कर देते हैं। उसके बावजूद भी वो अगर आप देखा जाए तो बुंडेसलीगा के टेबल उठाकर देख लें, अगर आप चैंपियंस लीग उठाकर देख लें तो उनकी बड़ी जो है रीजनेबल परफॉर्मेंस रहती है। तो ये टाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई, मैं समझता हूँ चारों गेम्स जो हैं वो अभी भी अलाइव हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिमोनी क्योंकि आपको पता है बस पार करने में माहिर है और डिफेंसिव फुटबॉल वो खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि सिमोनी की टीम अगर एक गोल भी अवे जाकर स्कोर कर देगी तो उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है और मुझे ये लगता है कि ये मैच जो है वो 2-2 से बराबर होगा और सिमोनी की टीम जो है उन्हें सेमीफाइनल में खेलती हुई नज़र आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं भैया जो हमारे बार्सिलोना फैंस हैं उनके गेम की, बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी का जो गेम है। देखिए बेसिकली इस मैच का मैं प्रॉपर प्रीव्यू जो है वो कल डिटेल के साथ बनाऊंगा, लेकिन अभी छोटी छोटी सी हम बात कर लेते हैं क्योंकि हम पूरा कवर कर रहे हैं इस मिड वीक गेम चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल को, तो इससे थोड़ी सी मैं ज़्यादा बात करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन अब बहुत ही ज़बरदस्त गेम हुआ था, ये भी यूसीएल क्लासिक गेम में ज़रूर याद रखा जाएगा और यहाँ पर बार्सिलोना ने पहले एडवांटेज लिया, उसके बाद से हाफ टाइम के बाद भाई पता नहीं क्या जो है वो कहकर भेजा था लुइस एनरिके ने अपनी टीम को और आते ही उन्होंने 2 मिनट के अंदर 2 गोल स्कोर कर दिए और लग रहा था कि यार अब बार्सिलोना के लिए वापस आना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यार चावी की मास्टर क्लास थी, चावी ने जो सब्सटीट्यूशन हमें करके दी उन्हीं सब्सटीट्यूशन ने इमीडिएट जो है वो इम्पैक्ट डाला था। तो अच्छी बात ये थी कि बार्सिलोना की मेंटालिटी जो है बहुत सालों के बाद चैंपियंस लीग में वो थोड़ी सी सॉलिड मेंटालिटी नज़र आई और वहाँ पे बार्सा ने एक कमबैक किया और बार्सिलोना ने ये कमबैक विन करके जो है 3-2 के साथ ये गेम जीता था। और अब लुइस एनरिके ने पिछले वीक में जब मैच ख़त्म हुआ था तो वहाँ पर ये बात उन्होंने बोली थी कि बार्सिलोना में वार होगी और अब कल जो कार्डिस के अगेंस्ट मैच हुआ था तो वहाँ पर भी अगर चावी की बात की जाए तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि पीएसजी का मैच जो है वो स्टेडियम में वॉर टाइप का मैच होगा। तो आपको पता है कि पीएसजी अल्ट्रास ने जिस तरह से बिहेव किया था तो इसी तरह का माहौल कुछ बार्सिलोना में भी बनेगा और बार्सिलोना फैंस भी जो है वो पीएसजी को सही तरह से जो है वो खींच के रखेंगे।
तो गेम ये भी बड़ा टफ होने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त गेम होने वाला है। देखिए बार्सिलोना एडवांटेज में ज़रूर है, लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि इस गेम को भी हम अलाइव ही बोलेंगे, यहाँ पर गेम ख़त्म नहीं हुआ। और अम्बापे जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है, पिछले गेम में हमने अम्बापे को रोक के रखा हुआ था, इस गेम में भी हमें उसको रोकना है। और अच्छी बात ये थी कि अम्बापे को हमने स्पेसेस नहीं दी, और उसको और जो जो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने अम्बापे और डेम्बले को जो है वो लॉन्ग रन्स नहीं लेने दिए, उनको काउंटर नहीं करने दिया, और हमने हाई प्रेस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किया। देखिए हाई प्रेस में आपको अम्बापे और जब डेम्बले जैसे प्लेयर के अगेंस्ट आप खेल रहे होते हैं, उनकी स्पीड बहुत बड़ी है, बहुत ज़बरदस्त स्पीड है उनकी, उनकी स्पीड को कैच करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बार्सा का डिफेंस, कुंदे हो, अरोहो हो, कुबार्सी हो, कैंसिलो हो, तो ज़बरदस्त उन्होंने डिफेंड किया। लेकिन इस गेम में जो है वो बार्सिलोना को दोबारा से वही डिफेंसिव परफॉर्मेंस जो है वो देनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि बार्सिलोना ये गेम जो है अगर बराबर कर जाए, और मैं ये नहीं कहता, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि बार्सिलोना फ़ैन हूँ तो कहीं ना कहीं नर्वस तो होता हूँ, तो मुझे तो सिर्फ ये कि यार गेम हम बराबर कर जाए, हमें मैच जीते ना जीते, मैच हम लोग सेमीफाइनल खेल लें बस, तो किसी तरह से भी। तो खैर मैं अगर प्रिडिक्शन की बात करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना ये गेम 2-1 से जीत जाएगी। आपने भी मुझे प्रिडिक्शन ज़रूर बतानी है, मैंने आपको चारों गेम्स की प्रिडिक्शन बताई है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको जो है ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे अपनी प्रिडिक्शन भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।